मैं वेद प्रकाश पांडे ब्यूरो चीफ गाजीपुर और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया नाउ 24। और आज मैं गाजीपुर जनपद के ग्राम सभा सौना बिशुनपुर में उपस्थित हूं। खोजापुर ग्राम सभा यह ग्राम पूरा है जो सौना है। और यहां जो सूचना प्राप्त हुई सुबह सुबह हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई किसी के माध्यम से कि यहाँ पर रात्रि में किसी कारणवश या द्वेष के लेकर यहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा व उनके लोगों के द्वारा किसी परिवार के ऊपर हमला हुआ और उनको मारा पीटा गया, महिलाओं को भी मारा गया, लड़कियों को मारा गया। क्या मामला है यह मैं जानूंगा उन्हीं लोगों के और वहाँ के लोग जो हैं उनके माध्यम से कि आखिर में क्या वजह थी कि वह इस घटना पे उनको उतारू होना पड़ा, क्योंकि वह ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं, उनके उनके यहाँ प्रधानी है। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। क्या क्या कारण है कि आपके यहाँ लोग आए? ऐसा है सर, एक दिन वायरल हो गया है कॉलोनी के वजह से, ये लोग झूठ मूठ कर हम लोग को क्या वायरल क्या वायरल हुआ था जांच करने के लिए आए थे, उसी में वायरल हो गया। मीडिया लोग आए हुए थे, वो लोग कर वीडियो अच्छा, बनाए। मीडिया वाले यहाँ पर आए थे? हाँ, वो और वीडियो बनाया। हाँ, वो ही वायरल किए, लड़के के भी मोबाइल में आ गए, वो थोड़ा एक जगह और भेज दिया। इसी पर आकर के दोपहर में गाड़ी पकड़ भी दिए, फिर शाम को दारू पी करके लड़के लोग को स्कूल में बुला करके दारू पिए, इसके बाद लाठी डंडा कट्टा बंदूक लेकर के आए यहाँ पर मारने पीटने लगे। औरत को भी मारे, लड़के को भी मारे, हमारा पैसा भी चाउमीन में सब लेकर के 3,000। आपकी दुकान है क्या यहाँ? हाँ, हमारी दुकान चाउमीन भी है, चक्की का भी दुकान है। आपका घर यही है? यही पर है सर। अच्छा, और किसको किसको चोट लगी? नहीं, वो लड़के को लगी है, औरत को लगी है और हमारी बच्ची को लगी है लड़की। तो मामला बस इतना था कि आपके लड़के ने उस वीडियो को जो मीडिया वाले बनाए थे उसको उन्होंने अपने मोबाइल से वायरल कर दिया। इसी को पा करके वो दोपहर में गाड़ी दिए, फिर शाम को लड़के लोग को बुला करके अर्धर्ष को यहाँ पर मारपीट किए। और मैं एक चीज और जानूंगा आपसे जी कि क्या इसके पहले भी आपसे कोई उनका मामला था या बस यही कारण मात्र रहा है कि? नहीं, पहले कुछ नहीं था, पहले हम लोग से उनसे कुछ नहीं मतलब था, पहले व्यवहार था पहले। आपने थाने में इसकी सूचना दी? कल हम लोग दुल्लापुर थाने में गए थे, सूचना दिए, 2-3 घंटा बैठे थे वहाँ पर, कुछ नहीं हुआ। तो फिर आकर के हम लोग जलालाबाद पुलिस चौकी में वो FIR उनको दिए हैं। पुलिस आई थी मौके पर? मौके पर तो रात को नहीं आई, 1090 पर हेल्पलाइन लाइन पर, इसके बाद तो 112 नंबर आई थी। मतलब अब तक पुलिस गांव में आई थी यानी? आई थी, 112 नंबर आई थी। उन्होंने क्या कहा? बातचीत हुआ, कहा कि ठीक है आइए आप लोग मेडिकल करा करके, इसके बाद हम कार्रवाई कर रहे हैं। यह मामला है और मैं आपको दिखा भी दूंगा, अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि जितनी भीड़ लगी है वह भीड़ को भी दिखा दें। लोग काफी आक्रोशित है, यहाँ के लोग आक्रोशित हैं कि मामला छोटा सा है और एक छोटी सी क्लिप को लेकर, वीडियो क्लिप जो बनी थी उसको लेकर अगर यह मामला हुआ है तो कहीं ना कहीं से यह बहुत ही शोचनीय है कि ग्राम सभा के जो प्रतिनिधि हैं और ग्राम सभा के जो जिम्मेदार पर्सन है वो अपने ग्राम सभा के लोगों के साथ करते हैं कि इतनी संख्या यहाँ जुटी हुई है। मैं और कुछ लोगों से जानना चाहूंगा और उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर में यह जो मामला है कहीं ना कहीं से आरोप लगता है कि आप लोग इस बात को उठाते नहीं है, तो कहीं ना कहीं से जब लोग जुटे हैं लोगों से मैं जानूंगा कि क्या असत्यता क्या है इसमें। चाचा अपना परिचय बता दें। हम हैं राजा राम और जी, पूर्व प्रधान है जसड़ा के जी। आप क्या जानना चाहते इस बारे में? ये जो रात्र में हमें सूचना सुबह मिली है, रात्र में जो झगड़ा हुआ है यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा, इनको द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो ये कहाँ तक सत्य है या क्या मामला, थोड़ा उसके बारे में मैं जानना चाहूँ। यह जघन्य अपराध जो है ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अश्विनी राम द्वारा किया गया है। चूंकि जब हम आए यहाँ तो ये लोगों द्वारा पता चला कि आप बहुत बड़ी संख्या में अपने गांव से लोगों को लेकर आए हैं, मारपीट किया है, इसके दुकान से कुछ पैसा भी छीन लिया है, उसके बीबी की वो चेन भी छीने हैं और ये लोग भाग के गए थे, थाने पर चले गए हम लोग आए यहाँ। तो ये मामला था उनके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं, बहुत लोगों से मैं बात, सारे लोग शायद एक ही शब्द और एक ही बात को कह रहे हैं कि उनके द्वारा कहीं ना कहीं से यह नाजायज काम किया गया है। और मेरे सहयोगी रिपोर्टर शिव प्रकाश पांडे की खास रिपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी मैंने एक पक्ष का बयान लिया और जिसके ऊपर यह आरोप लगा कि रात में वहां के लोग पहुंचे और मारपीट किए,
और यह मामला ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अश्विनी कुमार के ऊपर और उनके लोगों पे जो लगाया गया, मैं उनके दरवाजे पर आया हूँ और वहाँ लोग काफी संख्या में, मैं दिखाऊंगा अपने कैमरा में, लेकिन काफी संख्या में भीड़ लगी है और मैं वहाँ जानने का प्रयास कर रहा हूँ जिनके जिनके ऊपर यह आरोप लगा है क्या मामला था और यह आरोप क्यों लगा। क्या नाम है बाबू? संजय कुमार। क्या मामला था, कल आप गए थे वहाँ उनके चाउमिन सेंटर पे, तो क्या हुआ वहाँ? सर हम लोग डेली चक्की पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, शाम को सभी दो तीन लड़के डेली जाते हैं घूमने फिरने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। ठीक, वहाँ पर उसके चाउमिन सेंटर पर जब हम लोग गए तो वहाँ से जो सुजीत मदेसिया है, संजय मदेसिया का लड़का, वहाँ पर वो दोपहर को पता नहीं क्या झगड़ा हुआ था, हमारे भाई उन लोगों को, प्रधान जी को, सभी मतलब सभी गाँव के दो चार पाँच लोगों को गाली दिया था दोपहर को। उसके उसका बाद ये तो वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो को भी दिखाया जा रहा है कि दोपहर में कहीं आने जाने को लेकर झगड़ा हुआ था, उस एवज में आप लोग वहाँ चार से पांच संख्या में या दस के संख्या में गए थे चाउमिन के दुकान। उससे सर पूछिए कि हम लोग उसके बाद से कि डेली हम लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आप लोग जाते हैं? डेली जाते हैं। मगर ये झगड़ा किस बात पे? झगड़ा वही जब हम लोग वहाँ पर गए तो पता नहीं क्या गाली दिया था पहले का, वहाँ पर जब गए तो किसी और लड़के से, मतलब अपने किसी लड़के से बात कर रहा था कि आज वहाँ के प्रधान को इतना गाली दिए, वहाँ के लड़कों को इतना गाली दिए, वो हम लोगों का कुछ नहीं कर पाया, चमड़ा छीलने वाले जा चमा रहे हो। तो सर हम लोग भी वहीं पर थे, हम लोग बस इतना बोलते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को, गलत हम लोग भी अगर आप लोगों को। शाम को जो झगड़ा हुई, शाम को मान लीजिए आप लोगों में जो भी बात हुई, उसके बाद फिर रात्रि में जो फिर यहाँ से कोई गया था, ऐसी कोई बात नहीं। जब उसका लड़का हम लोगों को धक्का देकर वहाँ से भगा दिया वहाँ से, तो हम लोग चुपचाप घर पर चले आए। अब रात को अपना कैसे आदमी बटोर कर अपने में उठा कर जाकर एफ आई आर किया है हम लोगों के ऊपर, चार पांच लोगों के ऊपर, और छिनैती जो भी लगाया है हम लोग कुछ पता नहीं। क्या उसमें ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी थे? नहीं, घर पर थे, वो तो कहीं गए थे रिलेशन में, नेता था। आप और लोग भी हैं, मैं उनसे भी जानूंगा, आपका भी नाम था उसमें। हाँ। आप भी गए थे वहाँ? गए थे। तो मतलब बात बात में झगड़ा हुई? बात बात में। आप लोगों ने भी तो कुछ कहा होगा कि आप नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोले। मतलब आप चाउमीन के दुकान पे आप गए तो कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी जिससे कि आपने कहा होगा, वो अभी कहेंगे कि आप लोगों को देखते ही उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। नहीं सर, वो पहले से किसी से बात कर रहा था, हमने बोला कि मतलब किसी से बात मत बोलो। या फोन से बात कर रहा था या किसी? सामने से एक लड़का उसके पास खड़ा था, उससे बात कर रहा था। अच्छा। आपने उसको रोका? रोका। और रोकने के बाद ये कहा सुनी आपसे हुई? और रात्र की जो घटना है कि 40 से 50 की संख्या में आप लोग गए थे तो? नहीं नहीं सर, झूठ बात है, चार लोग बस हम थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी कुमार प्रधानपति, कल जो मामला हुआ है रात में, आप पे जो लग रहा है, आरोप लग रहा है कि आपने दरवाजा वहाँ चढ़ के अपने लोगों के साथ मारपीट किया है, उस पर? ऐसा कुछ भी नहीं है, कल के दिन हम घर पे थे भी नहीं। अब जो है कि लड़कों का फोन हमारे यहाँ 8 बजे गया कि प्रधान जी ऐसे ही सी बात होगी, मैंने कहा कि अरे ये सब क्यों कर रहे हो, तो सब बोले कि हम लोग गए वहाँ पे, उसी डेली जाते हैं छोला फुल्की उसके दुकान पे खाते हैं, तो उसी दिन गए जो आप गाली दिए थे, बस हम लोग यही पूछे कि कहाँ गरियात लामदा, बस इतना बोले, इतना पे जो है कि वो धक्का मुक्की जो है कि करने लगे और दो चार लड़के थे, दोनों लोग भी भिड़। जैसे ये आरोप है आप पे बार बार कि प्रधान उनके पहले इन्होंने लड़कों को भेजा और लड़कों से विवाद हुआ, इसके बाद 40 से 50 की संख्या में यह लोग दोबारा रात में पहुंचे हैं और फिर मारपीट किए? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब यह सब रंजिश से ये लोग जो कि अपना वो कर रहे हैं। धन्यवाद।